तकरीबन 2 घंटे जारी रही है और ये मेरी इनके साथ तीसरी मुलाकात हुई है। अक्टूबर 2019 में दफ्तर खारजा में तशरीफ़ लाए और हमारे मज़ाकरात हुए, फिर पेशरफ्त हुई और फरवरी 2020 में दोहा में एक अमन माहदे की तरफ अमेरिका और तालिबान आगे बढ़े और आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको हतमी शक्ल देने के लिए हमारी ये तीसरी नशस्त थी। बहुत दोस्ताना माहौल में, अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुना और पाकिस्तान का मौकिफ मुझे पेश करने का मौका मिला। मुझे ये जानकर और सुनकर बेहद खुशी हुई कि एक जितनी इनकी क़यादत है वो समझती है कि पाकिस्तान का किरदार अमन और इस्तेकाम के लिए बड़ा मुस्बत रहा है। वो आज भी शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने अपने दिलों के और घरों के दरवाजे अफगानों के लिए जो खोले और मुश्किल हालात में उन्हें जो या सहूलियात बहम पहुँचाई उसके लिए वो उसके मोतरफ़ भी हैं और शुक्रगुजार भी हैं। वो इस बात पर कायल हैं और उन्हें खुशी है कि 41 साल की जदोजहद के बाद दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का मज़ाकरात है और एक सियासी हल है। अगर कोई अस्करी हल निकलना होता तो 41 साल में निकल चुका होता और ये पाकिस्तान की दरीना ख्वाहिश थी और उन्होंने इस बात का भी तस्करा किया कि जब इस पर लोग तवज्जो नहीं देते थे तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात के कायल थे कि यही एक रास्ता है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट और पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का एक मुस्तकिल और देरपा हल और वाहिद हल यही है। हम उस पर कायल थे और कायल हैं। मैं ये भी कहता चलूं कि हमने अहाता किया कि अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ कामयाबियां हासिल हुई हैं और अभी भी अगर कोई पेचीदगियां हैं तो वो क्या हैं और उनका हल कैसे निकल सकता है। हमने जो आपस में तबादला ख्याल किया उससे मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में मुश्किलात के बावजूद, और इस पर कोई शक नहीं कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद मैं पुरुमीद हूँ कि रास्ता निकल सकता है और मैंने देखा है कि उस रास्ते को हमवार करने के लिए ये ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर मुझे तैयार और आमादा दिखाई देते हैं। ये समझते हैं कि जो दोहा में हमारा अमन का मौदा हुआ वो उसके पाबंद हैं और समझते हैं कि उस पर मनोअन अमल होना चाहिए। वो जो उन्होंने अपना इरादा का इजहार किया और उस कागज़ पर दस्तखत किए वो उसके आज भी पाबंद ठहरे और वो समझते हैं कि जो कुछ मुश्किलात थीं वो गुफ्त शनीद से उनका हल निकल सकता है। और मेरी तवक्को है कि ये जो हमारे मज़ाकरात हुए हैं इससे इंशाअल्लाह रास्ता निकलेगा। तो मैं इख्तिताम पे यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी हौसला अफजा और पुरुमीद नशिस्त थी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम अपनी मंजिल हासिल कर पाएँ। और मंजिल क्या है? एक पुरमन, खुशहाल, मुस्तहकम अफगानिस्तान।
पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है। और मेरा एक पैगाम है अफगानिस्तान की आवाम और वहाँ के बाशिंदों के लिए, पाकिस्तान आपके लिए नेक इरादे रखता है। हमें उसका इल्म है कि गाहे बगाहे आपके जहनों को मुतासर किया जाता है, पर मैं एक मरतबा फिर इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, हम आपके मुल्क को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, हम वहाँ अमन देखना चाहते हैं। हम समझते हैं अमन व इस्तेहकाम से इस खित्ते में तिजारत फरोग पाएगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हम मिलकर गुर्बत और जो जिस मुफलिसी से हम दो चार हैं उससे हम उस पर गलबा पा सकेंगे और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान की ख्वाहिश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के आवाम के लिए नेक इरादे रखता है। अफगानी आवाम के जहनों को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम अफगानिस्तान के आवाम को बताना चाहते हैं कि हम उनकी बेहतरी चाहते हैं। इन मुज़ाकरात से जो आज इस्लामाबाद में हुए हैं, इनसे रास्ता निकलेगा, ये बहुत अच्छी हौसला अफजा और पुरउम्मीद नशस्त रही है। ऐसा कहना है वज़ीर ख़ारिजा का, जो आज अफगान तालिबान के वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।